सौरभ रेडी है स्कूल जाने के लिए। चलो भाई निकल ले, टीवी के अंदर बाय बाय। उठते ही टीवी। सो गाइस, सौरभ जाने के बाद ही काम स्टार्ट होता है मेरा, और अभी मैं जस्ट चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं वो सारी उठा के रखूँगी। मुझे थोड़ा सा किचन जो है वो क्लीन करना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने दो वीडियो एडिट की हैं मेहंदी की, तो शॉर्ट वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, शेड्यूल लगा के रख दिए। और मैं अभी कपड़े डालने जा रही हूँ मशीन में, के साथ साथ मैं बाकी का काम करूँगी। तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन है इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, साथ के साथ मैं काम करती रहती हूँ, अदरवाइज़ हाथ से ही धोने पड़ते थे कपड़े और मेरा जो टाइम है वो ख़राब हो जाता था। तो चलिए गाइस कपड़े धोते हैं और टाइम 9:30 हो गया है। एंड गाइस, सौरभ के पापा को हो गया है खांसी और जुकाम बहुत जोरों का, तो वो गए हैं हॉस्पिटल डॉक्टर से चेकअप करवाने। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। ये मशीन में कपड़े डाल के मैं सीधा जो किचन के जो कंटेनर हैं वो सारे वॉश करूँगी, धूप निकल आई है। तो मिर्च मसाले भी मैं आज बाहर रखने वाली हूँ। तो गाइस मशीन मैंने लगा दी है, अभी चलते हैं किचन में। तो मुझे धोने हैं ये, इसके तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे धोने से, और ये पूरा पैकेट का सामान रखा है, तो इनको इनमें धो के शिफ्ट करेंगे। तो अभी किचन में लगते हैं, मुझे यहाँ पे 1.5 घंटा लगने वाला है। ये है गाइस सौरभ के स्कूल की कुछ मैगजीन्स, तो इनके पेपर को मैं यूज़ करने वाली हूँ। कैसे यूज़ करने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ। इनको मैं एज अ प्लेट यूज करने वाली हूँ, तो इनके कॉर्नर पे मैं पेन लगाऊंगी, क्योंकि अब मसाले सुखाने के लिए मैं इतनी सारी प्लेट तो ला सकती हूँ इसे। तो गाइस इसके चारों कोनों पे मैंने इस तरीके से पेन लगा दी है, जिसमें मैं कुछ भी डालूंगी तो निकलेगा नहीं। तो ये हमारी प्लेट बनके रेडी है, और इसके अंदर मैं अब डालूंगी अपनी ये जो भी दाल वगैरह है सब कुछ। सो गाइस सारे डिब्बे मैंने खाली रख दिए हैं, और ये देखिए मेरा जुगाड़, तो इनको बाहर दीवार पे रख के आएंगे। घर में लग रही है गाइस, तो फैन ऑन किया हुआ है, थोड़ी सी आवाज आएगी। तो ये देखो पूरे किचन के जो सामान थे मैंने निकाल दिया, कबर्ड खाली हो चुके हैं, और यहाँ पे लाल चींटियाँ इतनी आती हैं, तो मुझे हर जगह लक्ष्मण रेखा लगानी है। और मार दिखाते हूँ आपको, पेड़ लगाई हुई है मैंने दाल चावल की, किसी को चाहिए तो मुझे बोल देना। तो गाइस ये मैंने ऐसे करके सब पे धूप लगाई हुई है। तो ये है मेरा जुगाड़ मिर्च मसाले सुखाने का, आप भी ट्राई करके देखना, क्योंकि इतने बर्तन तो हम ला नहीं सकते हैं। सो मैं तो यही करती हूँ। थोड़ी देर के लिए फैन को ऑफ कर देती हूँ, कपड़े धुल रहे हैं अभी, तो 25 मिनट्स बाकी हैं। और मैंने रात में कल ऑयलिंग की थी, आज हेयर वॉश करूँगी। अभी मुझे इनके कवर्स निकालने हैं, इसके नीचे मैंने ये कवर्स बिछाए हुए हैं, और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है जो यहाँ पे लगा रखा, तो इसी को मैं यहाँ पे बिछाने वाली हूँ। तो हमारी दुकान पे आया है पहला कस्टमर जो कि कैसा लगा मेरा जुगाड़।
अरे ये तोड़ रहे हैं दाल मखानी, हवा इतनी जोर की चल रही है, हवा चल रही है, धूप निकली हुई है, बस 12-1 बजे तक घूम रही है। मेरा काम हो जाएगा उसके बाद पीछे वाली बालकनी में धूप आएगी। कपड़े भी धुल गए हैं तो पीछे वाली बालकनी में मैं इनको डाल के आऊँगी, और जींस वगैरह है वो भी मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए। तो आज तो मुझे पूरा दिन ही लगने वाला है और शाम को ही नहाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाऊँगी, अभी पीछे ही धूप आएगी तो मैं भी डाल देती हूँ। गाइस कपड़े भी सूख गए हैं और अभी चलते हैं किचन में। और ये अपनी दवाई लेके आ गए हैं, इतनी सारी दवाइयाँ दे दी डॉक्टर के पास, तो एक बार चले जाओ बस, दवाइयों का पिटारा मांग के दे देते हैं। तो किचन अभी वैसा का वैसा ही है, पहले मैं डिब्बे धोऊंगी तब तक ये सूख जाएंगे, उसके बाद मिर्च मसालों को साफ करके तब इनके अंदर डालूंगी।